सिविल सर्वेंट कम से कम जीडीएस से पीए, जीडीएस से एमटीएस, जीडीएस से पोस्टमैन, जो भी कुछ रिक्रूटमेंट होगा वो सिर्फ जीडीएस सी होगा और जीडीएस का पूरा भर्ती बाहर से होगा। ये अगर हम सबसे बड़ा प्रस्ताव अगर गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो बहुत ही हमारा जीडीएस का, क्योंकि नया जो जीडीएस है वो जीडीएस के लिए जरूर सर सफलता और बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। और एक सर ऐसा है, जो भी कुछ हमारा जो 55 एज से आगे जो हमारा ग्रामीण डाक सेवक है, डॉक्टर कमलेश चंद्र समिति ने एक सिफारिश की थी जिसका आयु 55 वर्ष बोले तो 55 ईयर है, वो वीआरएस लेगा और उसके वीआरएस लेने पे जो भी कुछ है उसके नॉमिनी को नौकरी दी जाएगी। वो ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने कैंसिल की है, लेकिन और एक बार हम सीएचक्यू की तरफ से उस ऑर्डर के बारे में फॉलोअप करके हमारे ग्रामीण डाक सेवक के नॉमिनी को फिर से सर कम से कम पेंशन तो नहीं है और उसको ग्रेजुटी भी पूरी तरह नहीं मिल रही है और दूसरी सर सेवरल्स अलाउंस भी नहीं मिल रहा, कम से कम उसके नॉमिनी को अगर जिसका आयु 55 वर्ष बोले तो 55 ईयर है उसके आगे उसने अगर वीआरएस ले लिया तो उसके नॉमिनी को जरूर उसके जगह नौकरी देनी चाहिए सर। ऐसा हम आज के सीडब्ल्यूसी के बारे में जो भी हमारे तमाम महाराष्ट्र के और पूरे ऑल इंडिया का जो भी ग्रामीण डाक सेवक है उसके ग्रामीण डाक सेवकों के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं सर, सीएचक्यू मेंबर को और आप जो भी पराशर सर है और कॉमरेड कृष्णन सर है, उन दोनों को कॉमरेड मोहंती सर है, हमारे कॉमरेड बालकृष्ण चालके सर है, उनको सबको सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ये जो और हमारा पितरी का कॉमरेड पालव सर है महाराष्ट्र का, उनको तमाम हमारे लीडर को एनएपी के तमाम लीडर को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ हमारे ग्रामीण डाक सेवक के लिए, अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ सिविल सर्वेंट का दर्जा नहीं देता तो कम से कम हमारा इतना अगर हम दे दिया जाए तो तभी भी गवर्नमेंट पे हमारा ग्रामीण डाक सेवक कम से कम सुख की जिंदगी जी पाएगा। बारे में बताया वो सर हर एक साल में 1000 ले लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मंथ में एक जीडीएस से 5000 ले लिया है वो पूरा गलत है सर। तो आप हम सीएचक्यू मेंबर को रिक्वेस्ट करते हैं हर एक साल में 1000 लेने के लिए आप ऐसा प्रस्ताव रखने की जरूरत है सर। और सर जो भी हमारा कोविड-19 में हमारा ग्रामीण डाक सेवक जो है पूरे महाराष्ट्र से ऑल इंडिया तक पूरा काम कर रहा है और कोरोना योद्धा बोल के काम कर रहा है और उसमें जो हमारा ग्रामीण डाक सेवक का मौत हो गया है उसको 10 लाख का जो इंश्योरेंस है वो तो देना ही चाहिए और दूसरा जो है उसको रिलैक्सेशन के ऊपर उसको नौकरी तो उसके नॉमिनी को नौकरी तो देनी ही चाहिए सर। और आईपीपीपी के ऑल इंडिया में 3 करोड़ 30 लाख अकाउंट खोले चुके हैं और आज तक किसी भी आईपीपी के अकाउंट का किसी को भी कमीशन नहीं दिया है। और दूसरा ऐसा है या तो हमें कमीशन तो नहीं दे रहे लेकिन आईपीपीपी के जो भी अकाउंट टारगेट के नाम पे हमारे तमाम ग्रामीण डाक सेवक से खोले जा रहे हैं उनका वो वर्कलोड में शामिल करके हमारा 4 और 5 घंटे से ऊपर वर्कलोड Rule 3A हटा के वो बढ़ा देना चाहिए सर। और ऐसा है सर 12-24-36 का कैरियर प्रमोशन जो है उसके बारे में अगर हम एनएपी की तरफ से आईपीएफजीडीएस की तरफ से अगर हम पूरे देश के ग्रामीण डाक सेवकों को अगर हम न्याय दे देंगे तभी हम सबको और आने वाली मेंबरशिप वेरिफिकेशन में नंबर 1 पे आईपीएफजीडीएस ही रहेगा सर। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं सर
12, 24, 36 जल्द से जल्द लागू करने के लिए आप कोशिश करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका इंडेफिनिट स्ट्राइक की भी जरूरत पड़ेगी तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक भी करने के लिए तैयार हो सर। और आने वाले मेंबरशिप वेरिफिकेशन में जो भी मेंबरशिप वेरिफिकेशन है वो मेंबरशिप वेरिफिकेशन जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे डिवीजन में मीटिंग नहीं मिल रही, रीजन में नहीं मीटिंग मिल रही और सर्कल में भी मीटिंग नहीं मिल रही। जल्द लागू होना चाहिए क्योंकि हमारे डिवीजन में मीटिंग नहीं मिल रही, रीजन में नहीं मीटिंग मिल रही और सर्कल में भी मीटिंग नहीं मिल रही। और जो हमारे दूसरा वाली यूनियन है वो हमारे नाम से गलत बोल रही है, इनको मीटिंग नहीं है, इनको रिकग्नाइज नहीं है तो इनका काम नहीं होता। हेलो हेलो, हाँ मीटिंग नहीं मिल रही है, ऐसा पूरे देश में गलत अफवाह फैला जा रही है। देखिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर आपको, जल्द से जल्द अगर हमारा मेंबरशिप वेरिफिकेशन होगा तो हमें मीटिंग मिलेगी और हमारा जीडीएस का जो भी कुछ सिविल सर्वेंट का दर्जा लेने के लिए हम जो फाइट कर रहे हैं वो एआईपीयू जीडीएस ही सिविल सर्वेंट सबको बना देगी। हमारे कॉमरेड पराशर, कॉमरेड कृष्णन जी, सर हमें साथ दे दीजिए, हम आपके साथ है। और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपका अगर सपोर्ट चाहिए, हमें जीडीएस को पूरा सपोर्ट चाहिए सर, अगर आप सपोर्ट दे देंगे तो हम जरूर ही मेंबरशिप तो ऑल इंडिया का हो जाएगा। लेकिन सर जी अभी जो भी आने वाली जो अभी रिक्रूटमेंट है सर, जो बाहर के रिक्रूटमेंट में जो अभी पोस्टमैन एमटीएस और पीए का पोस्टल शार्टिंग असिस्टेंट इनका इनके लिए जो जगह दी जा रही है वो कैंसिल होनी चाहिए। और जो भी हमारे जीडीएस में सी भरनी चाहिए पूरा, जो भी एमटीएस का जगह है, पोस्टमैन का जगह है और पीए का जगह है वो सिर्फ जीडीएस में सी भरनी चाहिए सर। और जो भी सर अभी सेवरल्स अलाउंस ग्रेजुएटी तो हमें 1.5 लाख दे रही है हमारे रिटायरमेंट पे, लेकिन सेवरल्स अलाउंस जो है वो अभी भी सर 1/16 से 4,000 दे रहे हैं, लेकिन 1/16 के पीछे से सिर्फ 1500 रुपए से दे रहे हैं, ये गलत है सर। 1/16 से अगर ऐसा कुछ डायरेक्ट रेट का ऑर्डर है तो 1/16 से ही 4,000 सेवरल्स अलाउंस देना ही चाहिए। और हमारा जो भी 1/16 के बाद में जो रिटायर हो गए हैं उनको सेवरल्स अलाउंस भी 1.5 लाख ही मिलना चाहिए सर, ये भी पूरा जरूरी है सर। और सर हमें तो ऐसा सिविल सर्वेंट करना नहीं जा रही है सरकार, लेकिन सिविल